हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बीसीईसीईएनडी 2023 काउंसलिंग से रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ गया हूं। चूंकि आज है 11 सितंबर और आज आप लोगों का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला था, लेकिन क्या हुआ तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता ही देते हैं साफ साफ कि आप लोगों का सेकेंड राउंड का जो है कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर जो है कि कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि पूरा जो है कि आपको पढ़ के बताते हैं कि साइट पे क्या लिखा हुआ है। तो साइट पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ बीसीईसीईएनडी 2023 इज पोस्टपोन्ड टिल फर्दर नोटिस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप इन टच विथ बोर्ड वेबसाइट। यानी कि साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है उसको जो है कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया है जब तक कि फर्दर नोटिस जारी नहीं कर दिया जाता है। इसका अपडेट के लिए कैंडिडेट्स जो भी विद्यार्थी हैं उनको किससे जुड़े हुए रहना है, बोर्ड के वेबसाइट से जुड़े हुए रहना है ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि कहानी जो है कि आखिर जो है कि बहुत सारे बच्चे के मन में चल रहा होगा कि सर सेकेंड राउंड क्यों कैंसिल हुआ। कैंसिल होने का एक ही वजह है कि आप लोग जान रहे थे कि इस बार ने हर एक बार एग्जाम में दो टाइप के बच्चे बैठते हैं, एक अपेयरिंग वाले बच्चे होते हैं, एक होते हैं पास आउट। तो अपेयरिंग वाले बच्चे के पास आज यानी कि इस साल से पहले तक जो होता था एग्जाम हो जाता था, रिजल्ट वगैरह आ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एसबीटी बोर्ड के रिजल्ट यानी कि लेट होने के वजह से इन लोगों का एग्जाम भी नहीं हुआ और इन लोगों का एग्जाम 19 सितंबर से है, जिसके वजह से इन लोगों के पास जो है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे जो कि उनके काउंसलिंग के लिए वेरीफाई होने चाहिए वो सारा डॉक्यूमेंट्स इनके पास में अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से इनके जो है कि जो लोग अपडेट में नो यानी कि अपग्रेडेशन में नो किए थे यानी फ्रीज किए थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया, जो लोग अपग्रेडेशन में यस किए थे उनको सिर्फ बायोमेट्रिक लेके छोड़ दिया गया। तो अब आगे क्या बात बनेगा तो देखिए इसमें जो है कि जितना भी निर्णय लेगा ना सारा जो है कि सारा अथॉरिटी बीसीईसीई बोर्ड के पास में है भैया। ना ही हम बीसीईसीई बोर्ड के मेंबर है, ना ही किसी भी प्रकार का जो है कि अधिकारी है या किसी भी प्रकार का कुछ है बीसीईसीई बोर्ड का, लेकिन तो फिर भी सर वीडियो क्यों बना देते हैं तो क्योंकि बीसीईसीई बोर्ड यानी कि आप लोगों को बीटेक जो लेटरल एंट्री से ये प्रिपेयर करते हैं उनको तैयारी करवाते हैं, इसलिए चूंकि हमने बीटेक कर रखा है तो बीटेक वाले सर से लगाव कहिए या जो है कि वहां से सर से भी थोड़ा जान पहचान है या धीरे धीरे जो है कि साइट पे इतना दिन से एक्सपीरियंस हो गया जिसके वजह से आप लोगों के लिए बताने के काबिल रहते हैं, इसलिए जो है कि हम आप लोगों को बताते हैं सारे लोगों से न्यूज लेकर जहां से होता है से रिसर्च करके तब आप लोगों को बताते हैं, बेफालतू से नहीं बकवास करते हैं। उसके बाद देखिए कैंसिल क्यों हुआ ये तो आपको बताएं। अब जो है कि आगे क्या होगा कि अब मन में चल रहा होगा कि बहुत लोगों के सर रैंक ज्यादा है, हमारा फर्स्ट राउंड में नाम आ गया, लेकिन सर अब क्या मतलब अगर कैंसिल कर देगा कहीं दिक्कत हो जाएगा। तो सोचने घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उनके मन में दिक्कत होगा कि जिनको फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया वो ये सोच रहे होंगे कि जल्दी से सेकेंड राउंड आ जाता तो कहीं नाम आ जाता तो ठीक है, नहीं आएगा तो कहीं और कुछ सोचते, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट किनको हो जाएगा, बेनिफिट जो है कि होने वाले हैं बीसीईसीई बोर्ड के वैसे बच्चे जो कि अपेयरिंग के स्टूडेंट है उनको जो है कि हमें लगता है कि अब टिल फर्दर नोटिस दिया है, अब दोबारा कब नोटिस आएगा कहना मुश्किल है। चूंकि देखिए कि यहाँ से कैंसिल जो है कि होने का एक वजह क्योंकि देखिए यहाँ पर था क्या कि क्योंकि जब फर्स्ट राउंड खत्म होता है तो देखिएगा वहां पर लिखा आपको मिलता है सीट का जो है ना कि कितना सीट पे एडमिशन हुआ, कौन कौन से कॉलेज में कितना वैकेंट सीट है, तो वो रिपोर्ट आप लोगों को मिलता था। उसके बाद सेकेंड राउंड का जो है कि वहां से जो है कि सीट अलॉटमेंट होता था। तो आखिर ये क्या हुआ कि जो लोग पास आउट है सिर्फ उनका एडमिशन हुआ, तो जैसे आज हमने पढ़ा भी था पेपर में तो अभी MIT में सिर्फ 32 बच्चे का एडमिशन हुआ है, सब ब्रांच मिला के मात्र 32 बच्चे का। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो थी कि आखिर बोर्ड जो है कि किस आधार पे जो है कि मतलब सीट को वैकेंट बताती, जिसमें कि दिक्कतें हुई सीट वैकेंट कैसे बताती, जो जो अपेयरिंग में उनका तो कैंसिल भी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए अब यहाँ बात आता है अगर माने कैंसिल भी करे तो किस आधार पर करे, अगर मानिए कि कुछ भी होता तो बच्चे का रैंक अच्छा है तब तो MIT मिला, किसी को भागलपुर मिला या किसी को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, तो कहीं ना कहीं अच्छे रैंक वाले यहाँ जो अपेयरिंग में है तो अगर मानिए उनका सीट को हटा दिया जाएगा यानी सारा सीट वैकेंट हो जाएगा, तो वैकेंट होने के बाद जिनका रैंक नीचे भी रहेगा
तो उन लोगों को एडमिशन का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो बच्चे के लाइफ के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर मेहरबानी मानिए BCESE बोर्ड का, जो कि आप लोगों ने काफी उन्हें मेल किया, फोन किया और हमारी बातों को मानकर जो जो हम लोगों ने कहा वो सारे चीजें आपने पूरे किए। और जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि थैंक्सफुल सर लोगों को कहना चाहेंगे, और आप लोगों को हमेशा बताए थे कि जो सर काउंसलिंग में वहां पर बैठेंगे उस दिन से ही सर लोगों के द्वारा ही लिया गया एक्शन पे ज्यादा जो है कि सुनवाई होता है, क्योंकि हम लोगों को मेल वगैरह का ना ही जवाब आता है ना ही कॉल पे जो है कि उतना रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो आप लोगों ने बात को मानी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे थे कॉमेंट उल्टा पुल्टा किए, उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 10 बच्चे आप अगर मैं 10 बच्चे हैं मेरे पास, 9 बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बच्चे नहीं सपोर्ट भी करेंगे तो कोई भी फर्क, कोई भी दिक्कतें वाली बात नहीं है। लेकिन वो भी अब समझ गए होंगे कि जो लोग बताए हैं वीडियो में क्या वो बात सच थी या गलत थी। तो चलिए अब जो है कि फर्स्ट राउंड का क्या होगा, तो फर्स्ट राउंड अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमें लगता है, देखिए हम अपने अनुसार बताते हैं कि फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन हो गया कोई दिक्कतें नहीं है। अब जो है कि इंतजार हमें लगता है किया जाएगा 1 महीने का, कि सितंबर में उन लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में प्रैक्टिकल जो भी है, तो हो सकता है कि अक्टूबर में जो है कि रिजल्ट 6M का आ जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर से BCESE बोर्ड के द्वारा जो है कि जल्दी से क्या कहते हैं नोटिस दिया जाएगा कि एडमिशन के लिए वैसे बच्चे एडमिशन के लिए जाइए जो बच्चे जिनका जो है कि काउंसलिंग में गए थे, यानी फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज में नाम आया उनको डेट दिया जाएगा, वो बच्चे जाके एडमिशन करवा लेंगे। क्योंकि बच्चे का एडमिशन हो गया, पैसा भी जमा हो गया कुछ बच्चे का, अब मानिए बोर्ड क्या करेगा कि फिर कहेगा कि जाओ उस कॉलेज से पैसा लो नाम के, तो बहुत कहीं ना कहीं परेशानी है। इसलिए हमें लगता है कि कैंसिल फर्स्ट राउंड को नहीं करेगा, और जो है कि जिस तरह से अलॉट हुआ उसी सीट पर आप लोगों का एडमिशन करके प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो ही इन लोगों का एडमिशन हो जाएगा अपीयरिंग वालों का, उसके बाद तब जाके हमें लगता है सेकेंड राउंड आना चाहिए हमारे अनुसार। बशर्ते BCESE बोर्ड के ऑफिसर लोग क्या मीटिंग करते हैं, क्या उन लोगों का राय विचार है, वो तो ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही पता चलता है। तो ये भी बता दिए कि सर सेकेंड राउंड कब तक आने की संभावना है, तो हमने बता भी दिया कि सेकेंड राउंड अब जो है कि अगर आज जो है कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कैंसिल हुआ, तो अब कहीं ना कहीं बच्चे लोगों का 6 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट आने तक जो है कि यानी कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हमें लगता है कि सेकेंड राउंड पे चर्चा की जाएगी। तब तक जो है कि अब आप लोग क्या करिएगा, जो लोग अपेयरिंग में हैं वो लोग तो 6 सेमेस्टर पे अच्छे से फोकस कर दीजिए, बेहतर नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। और जो लोग पास आउट हैं, पास आउट वाले तो घबराइए नहीं, एडमिशन ले लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा से बताते आए हैं कि यानी कि ये जो 2024 जो है कि गोल्डन पीरियड होने वाला है। गोल्डन पीरियड कहने का मतलब ये चीज़ है कि फिर से आपको जो हम लोग टेक्निकल विभाग में है, इस टेक्निकल विभाग में ज़्यादातर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके वजह से चूंकि 2024 में चुनाव है, जिसके वजह से आप अपने सफलता को जो है कि एक बार में हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि आप लोग भी लग जाइएगा, अगर आप ALP की तैयारी करना चाहते हैं, RRBJEE का करना चाहते हैं, तो इस सब में दिल खोल के लग जाइए अभी से, क्योंकि किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में 5 से 6 महीने कम से कम लगेंगे, अगर आप 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन भैया एक चीज याद रखिएगा, चूंकि हम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जो जुड़े हुए हैं मैक्सिमम वैसे बच्चे हैं, कहिए मिडिल क्लास कहिए या बिलो देन मिडिल क्लास कहिए, यानी पुअर फैमिली कहिए, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से यानी कि उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और हर एक उस कैटेगरी के माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा डिप्लोमा में एडमिशन लिया, डिप्लोमा में एडमिशन करने के बाद जितना जल्द से जल्द हो नौकरी करे, नौकरी करने के बाद जो है कि उसके नौकरी कर ले, उसके बाद अपना पढ़ना लिखना जो होगा करते रहना है। तो आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से जो है कि एक बार BCESE की तरफ एडमिशन ले लीजिए, अच्छी बात है। सब चीज अब आप लोगों को जहां भी जाइएगा अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करना है। अभी फिलहाल तो जो लोग घर पे हैं घर पे हैं, पटना में है पटना में, जो जहां पर हैं वहीं पर जो है कि अपना जो मोटिव है गोल को आज से भी लिख दीजिए दीवार पर, और हमेशा अपने गोल को मत बदलिएगा। सिचुएशन कुछ भी हो जाए उस गोल को देखते रहिएगा, और उस गोल को पाने के लिए रास्ता बदलते रहिएगा, रास्ता बदल दीजिएगा, लेकिन गोल अपने लक्ष्य को मत बदलिएगा। इसलिए समय रहते हुए भी जो लोग अपेयरिंग में हैं उन लोगों के लिए भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो भी है रिजल्ट भी आ जाएगा आप लोगों का,
सिक्स एम का, उसके बाद जो है कि आप लोग भी एलिजिबल हो जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट में भगवान नौकरी लो, भले नहीं करना लेकिन रिजल्ट लेके रख लेना, रिजल्ट रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर रहेगा ना, तो लाइफ में कहीं भी कुछ भी। अभी हम जैसे आपके सामने में आते हैं बोलते हैं तो आप हमारी बात को क्यों मानते हैं, बीसीईसी बोर्ड यानी बीटेक वाले बच्चे क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमने बीटेक कर रखा है यानी कि बीटेक में सफलता हासिल की है, इसलिए आप मेरी बातों को मानते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।